कोरोना वायरस को लेकर टोंक से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। दरअसल जिले में कोरोना वॉरियर्स की मेहनत यहां पर रंग लाई है, क्योंकि टोंक में कोरोना संक्रमण का फिलहाल एक ही मामला शेष रह गया। जी हां, यहां पर कुल 164 संक्रमितों में से 162 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि एक मरीज की पहले कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी बीच टोंक के डिप्टी CMHO महबूब खान से बात की हमारे संवाददाता फिरोज उस्मानी ने। टोंक में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आते जा रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर कमी आई है। अब टोंक में खुशी की बात यह है कि एक ही पॉजिटिव केस शेष रह गया है, और ये सब हो पाया है। टोंक की मेडिकल टीम कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही है। दिन रात ये डटी हुई थी कि इस बीमारी से लड़ें और लोगों को निजात दिलाएं। हमारे साथ हैं डिप्टी CMHO महबूब खान। हम जानते हैं किस प्रकार की तैयारियाँ हैं अब आगे के लिए। सर, आगे के लिए हमने अच्छी वो एक कार्य योजना बना रखी है। जैसे अभी आने वाले दिनों में हमें जो अपने प्रवासी राजस्थानी हैं उनसे भी थोड़ी संभावना है कि वो अन्य अलग अलग जगह से आए हैं, कई हॉटस्पॉट से भी आए हैं, तो उनसे संपर्कण की संभावना है, तो उनकी हम बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके सैंपल भी लिए हैं। 300 से ज़्यादा हमने उनके सैंपल लिए हैं और उनमें से 4 लोग पॉजिटिव भी आए हैं। इसके साथ जो हॉटस्पॉट वो ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ संक्रमण ज़्यादा है, उस पर हम निरंतर वो रखाए हुए हैं विभाग की तरफ से, रोज़ाना उनकी विजिट हो रही है। साथ में जो ऐसे ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप जिनको अपन कह सकते हैं, जैसे 60 साल से ज़्यादा के वृद्ध हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, अपने गर्भवती माता है या जिनके पुरानी बीमारी है, उनकी भी अपन ने हमने अलग से लाइन लिस्ट बनाई है और उनके ऊपर हम निरंतर स्वास्थ्य विभाग की जो सर्वे टीम है उसके माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। और हमारी जो सर्वे टीम है वो फील्ड में निरंतर ऐसे ILI के मरीज़ ढूंढ रही है जिनके खांसी जुकाम या ऐसी कोई परेशानी हो, तो हम पूरी एक्टिविटी के तौर पर इसको बनाए हुए हैं और जो भी कोई ऐसी हमें सूचना मिलती है तो उस संदर्भ में हम कार्रवाई करते हैं। और हमने इन्हीं हाई रिस्क ग्रुप में करीब 300 लोगों की सैंपलिंग कराई है और प्रवासी राजस्थान की भी 300 ज़्यादा से सैंपलिंग कराई है, तो हम पूरी सक्रिय तौर पे इसमें लगे हुए हैं। कितने लोग स्वस्थ हो चुके हैं और घर जा चुके हैं? देखिए, अभी तक हमारे 144 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं और 18 लोग ऐसे हैं जिनकी जाँच नेगेटिव आई है और उनको घर भेजा है आइसोलेशन में, और अभी एक केस हमारा एक्टिव है जिसका उपचार चल रहा है। ये थे हमारे सामने डिप्टी CMHO महबूब खान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि टोंक में अब केवल एक ही एक्टिव केस शेष बचा है। 144 लोग अपने घर जा चुके हैं और 18 की जो मरीज़ हैं जिनकी पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है वो भी अस्पताल से अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। हालांकि अभी ख़तरा ये कम नहीं हुआ है, क्योंकि एक आध दिन में एक आध केस लगातार मिल रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि टोंक शहर में अब ये केस नहीं मिल रहे, इसके आसपास गांव ग्रामों में ये केस मिल रहे हैं। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 TV।